इसकी आप परफेक्शन देख सकते हैं, हाउ ब्यूटिफुल ही इज एंड ही इज वैगिंग हिज टेल लाइक एनीथिंग. बिल्कुल परफेक्ट पोजिशन पे टेल है, हाइंड लेग्स बहुत अच्छी हैं. ओके ओके, हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके टाइम के लिए. मेरे साथ में आज मेरा नया कंपेनियन है. ऑफ कोर्स नया कंपेनियन इसलिए कि आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. ये मेरा गोल्डन रिट्रीवर है और इसका नाम है स्पंकी. बहुत ही प्यारा सा मेल डॉग है. गुड बॉय, उठो 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 उठो, आज 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 गुड बॉय, चलो चलो चलो. डियर फ्रेंड्स, ये जो डॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत स्पेशल डॉग है. स्पेशल इसलिए क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया, जैसे कि हिटलर को और डॉन को किया हुआ है. आप इसको अगर देखेंगे, इसके कोट को कितना अच्छे से मेंटेन किया है वो देखिए. ये पूरे की पूरी जो झालर आ रही है ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रही है. आप इस चीज़ को देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी. अगर मैं इसको साइड करता हूँ, गुड बेटा गुड बेटा, यहाँ पे या अश्यू दिखाइए. ये देखिए इसकी ये जो झालर आ रही है फ्रंट लेग्स में भी है और वैसे ही हाइंड लेग्स में भी है. ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल कोट है और ये कोट जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब ऐसा कोट बनता है. कीपिंग अ डॉग, कीपिंग अ गोल्डन रिट्रीवर और कीपिंग अ थॉट कि हमारे पास में ऐसा गोल्डन रिट्रीवर हो वो एक बात है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, वो बहुत मैटर करता है. रीज़न ये है कि हम जो इसको डाइट दे रहे हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड डाइट दे. डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि हम इसे बहुत ही बैलेंस्ड फूड देते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है इसकी जो शान है वो इसके बालों की ब्यूटी है. जितने अच्छे से हम इसे मेंटेन करेंगे, जितने अच्छे से इसकी केयर करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, ये उतना ही सुंदर डॉग बनेगा. ये डॉग जो है अभी मैंने इसे रिसेंटली ये रेडी हुआ है, 1.5 ईयर के करीब इसकी एज हो गई है और ये बहुत सुंदर डॉग है, बहुत प्यारा डॉग है. फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, कोट कंडीशंस आप देख चुके. और अगर आपके आपका एक ड्रीम है कि आप बहुत सुंदर सा अच्छा सा गोल्डन रिट्रीवर रखें तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए. बिकॉज ये ओए, ये मेरी बिटिया और मेरा बेटा भी साथ में आ गए. अगर आपका एक ड्रीम है कि बहुत सुंदर अच्छा सा कंपेनियन हो, फर्स्ट टाइम ऑनर है या अदरवाइज एक बहुत अच्छा सा कंपेनियन रखना चाहते हैं, तो गोल्डन रिट्रीवर आर वन ऑफ द फैबुलस मोस्ट कंपैटिबल ब्रीड. जो मैं डाइट शेड्यूल बना के देता हूँ आपको डॉग को मेंटेन करने के लिए, उसकी डाइट का क्या कंसर्न है, उसको क्या देना चाहिए, हमें क्या नहीं देना चाहिए, हेल्थ टॉनिक, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, उसके अलावा हम उसको जो अगर हम होममेड फूड भी देते हैं तो उसमें फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों को अगर हम बैलेंस वे से लेके चलेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ वेरी ब्यूटीफुल डॉग. बहुत अच्छी जो सेवा करेंगे, जो केयर करेंगे वो उतना ही सुंदर अच्छा डॉग बनेगा. कोई एक्सपीरियंस में किसी से भी डॉग ले लीजिए, कितने का भी डॉग ले लीजिए, चाहे आपने 10,000 रुपये का लिया, चाहे आपने 10,00,000 रुपये का लिया, लेकिन अगर आप उस डॉग की केयर अच्छे से नहीं करते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, उसको अच्छे से ग्रूम नहीं करते हैं, उसको बैलेंस फूड नहीं देते हैं, उसको उसकी टाइम टू टाइम बैलेंस्ड एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, तो वो डॉग अच्छा नहीं बनेगा. चाहे आपने किसी से भी लिया हो, आप बाद में किसी भी ब्रीडर को कल्पित नहीं ठहरा सकते इस चीज़ के लिए कि हमारा डॉग जो है हमने आपसे लिया और वो अच्छा नहीं बना. बिकॉज अगर आपने डॉग अच्छा लिया है और उसकी अच्छी केयर करते हैं तो वो बहुत अच्छा डॉग बनेगा. दे टर्न आउट, दे विल डेफिनेटली टर्न आउट एज ब्यूटीफुल डॉग. अब आप इसको देख लीजिए, स्पंकी को, ये बहुत ही सुंदर, बहुत फैबुलस कंपेनियन है. बच्चों के साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है. खेलना पसंद करता है, मस्ती करना पसंद करता है, वॉक पे जाना पसंद करता है, जॉइंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइंड लेग्स का कोई इश्यू नहीं है. इसकी एक छोटा सा वॉक का क्लिप भी आपके साथ में इसमें वीडियो में डालूंगा, आपको देख के मज़ा आएगा कि इसकी ब्यूटी कितनी अच्छी है. आई होप ये जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो मैंने आपको पसंद आ रहा होगा. और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम कितना भी अच्छा डॉग ले लें, अगर हम उसकी केयर अच्छी करेंगे तो वो बहुत अच्छा डॉग बन सकता है, अगर हम अच्छी केयर नहीं करेंगे तो वो अच्छा डॉग नहीं बनेगा. इस बात को मैं किसी एक एग्जांपल के साथ में आपको दिखाऊंगा. बिकॉज बहुत बारी होता है कि मैं जो बेबीज देता हूँ वो ऑब्वियसली बात है एक सिंगल भाई या बहन नहीं होते, ज़्यादातर वो 3-4-5 या 2 भी हो सकते हैं या 10 भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स. उनका कंपैरिजन का एक वीडियो बना के बताऊंगा कि अलग अलग घर में बच्चे पल रहे हैं, सेफ माँ बाप के बच्चे हैं और वो कैसे टर्न आउट हो रहे हैं, कैसे ग्रूम कर रहे हैं, उन्हें कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो मज़ा आएगा उस चीज़ को देख के. थैंक यू सो मच. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप कोई भी अच्छा सा टॉपिक मिस ना करें. लव यू ऑल. साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, हम सब पे, हमारे पेट्स पे. थैंक यू.